वीरमती। आज से 700 वर्ष पहले हमारे देश पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। कहीं नीति से, कहीं कपट से और कहीं बल से उसने भारत के बहुत बड़े भाग को विजय कर लिया था। देवगिरी के राजा रामदेव अभी तक अपना सिर ऊंचा किए हुए थे। बार बार धमकियां देने पर भी अलाउद्दीन को देवगिरी में कोई सफलता नहीं मिली। अंत में एक दिन उसने अपनी विशाल सेना को साथ लेकर देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। राजा रामदेव बड़े साहसी और वीर थे। माता पिता विहीन एक मराठा बालिका वीरमती को उन्होंने अपनी पुत्री की भांति पाला था। उसके पिता देवगिरी राज्य की सेना में एक अच्छे पद पर थे। जब वह बालिका विवाह के योग्य हुई तो उसी की इच्छा अनुसार कृष्णराव नामक मराठा युवक सैनिक से उसकी सगाई कर दी गई। कृष्णराव की वीरता की कहानियां उस समय देवगिरी के बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। इसी वीरता से मुग्ध होकर वीरमती ने उसे अपना जीवन साथी चुना था। अलाउद्दीन का आक्रमण होने पर राज्य भर में युद्ध की घोषणा की गई। सभी राजपूत तैयारी में जुट गए। पूरे दल बल के साथ राजा रामदेव ने शत्रु से युद्ध छेड़ दिया। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध भूमि लाशों से भर गई। बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। राजपूत सेना मुट्ठी भर होते हुए भी बड़े साहस के साथ शत्रु से टक्कर ले रही थी। जब खिलजी ने अपनी सेना का भारी विनाश देखा तो उसने एक चाल चली। उसने अपनी सेना को एकदम पीछे हटने की आज्ञा दी। राजपूत वीर इसे अपनी विजय मानकर राग रंग में मस्त हो गए। परंतु राजा रामदेव को यह सब अच्छा ना लगा। उसके मन में बार बार विचार आ रहा था कि इसमें शत्रु की कोई ना कोई चाल है। उसने सब सैनिकों को एकत्र किया और कहा कि यह समय राग रंग का नहीं है। हमें सावधान होकर देश की रक्षा करनी चाहिए। शत्रु पीछे हटा है, वह वापस नहीं गया। इस पर कृष्ण राव ने आगे बढ़कर कहा, महाराज कपटी के साथ कपट का बर्ताव करना चाहिए। हमें भी नीति से काम लेना चाहिए। महाराज ने कृष्ण राव की पीठ थपथपाई और कहा कि देवगिरी को तुम जैसे साहसी नवयुवकों का ही तो भरोसा है। तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। कृष्ण राव ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज हमें पहले शत्रु की सेना की संख्या और भोजन सामग्री का पूरा पता लगाना चाहिए। हम इसका भेद पाने के बाद ही शत्रु के दांत भली प्रकार खट्टे कर सकते हैं। महाराज बोले, इस कार्य को करेगा कौन? कृष्ण राव ने स्वयं इस काम का बीड़ा उठाया। उसके इस साहस और निर्भयता पर सभी सैनिकों ने उसकी जय जयकार की। इधर महलों में जब वीरमती को अपने होने वाले पति के शत्रु की सेना में जाकर भेद लाने का समाचार मिला तो वह अपनी सखी सहेलियों से बोली, मुझे दाल में काला नजर आता है, मैं पुरुष वेश बनाकर पीछे पीछे जाऊंगी। संध्या का समय हो रहा था। कृष्ण राव चुपचाप शत्रु की छावनी की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे छाया की भांति वीरमती भी जा रही थी। उसको इस वेश में कोई भी पहचान नहीं सकता था। कृष्णराव सीधा बिना रोक टोक के शत्रु सेनापति के शिविर के पास जा पहुंचा। उसने अपने आने का समाचार सेनापति के पास भेजा। सेनापति उसी समय बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वे आपस में बातें करने लगे। यह सब देखकर वीरमती को अनुभव हुआ कि कृष्णराव जितना वीर है उतना कपटी भी है। उस बालिका की आंखों में खून उतर आया। उसने अपना घोड़ा उन दोनों के अधिक से अधिक निकट करके उनकी बात सुनने का प्रयत्न किया। वीरमती ने सुना तो उसे काट मार गया। सेनापति पूछ रहा था, युवक देवगिरी को कौन से द्वार से विजय करने में सुगमता रहेगी, कौन सा द्वार दुर्बल है। कृष्ण राव ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि वीरमती ने झपटकर अपनी तलवार से उसके सिर पर वार किया। यह देखते ही शत्रु सेनापति घबराकर भाग गया। गिरते गिरते कृष्ण राव बोला, देवी तुमने ठीक किया, मैं इसी योग्य था। मेरे जैसे देशद्रोही को इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए था। ये शब्द कहते कहते वह गिर पड़ा। उसकी वाणी रुक गई और वह सदा के लिए सो गया। आर्य पुत्री जीवन में एक बार ही अपना पति चुनती है। स्वप्न में भी वह दूसरे पति का विचार पाप मानती है। अपने होने वाले जीवन साथी के भूमि पर गिरते ही वह उसके शव से लिपट कर रो उठी। मैं भी आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, आपके पीछे मैं भी आ रही हूँ। उसने झट संभल कर अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपने शरीर के दो टुकड़े कर दिए। वह आदर्श बाला भी वहीं भूमि पर गिर गई।
इस प्रकार उस साहसी बाला ने जहां अपने देशद्रोही पति की हत्या करके अपने देश की रक्षा की, वहां अपना भी बलिदान करके सती धर्म का पालन कर दिखाया। धन्य है भारत की ललनाएं।